फॉर्मर मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। उनका नाम मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंसियल सेलिब्रिटीज इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड में लिया जाता है, जिन्हें पद्मश्री से भी ऑनर किया गया था इन 2009। मिसेस बच्चन को द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड माना जाता है, बट इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद भी ये विश्व सुंदरी खुद को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चार्म से बचा नहीं पाई एंड फाइनली अलॉन्ग विथ हर मदर से इन्वेस्टेड 1 करोड़ इन ए बेंगलुरु बेस्ट एनवायरमेंट स्टार्टअप एम्बी, जो डेटा यूज करता है टू मेजर एयर क्वालिटी। सावरिया से सभी के दिलों में राज करने वाली एक्ट्रेस सोनम कपूर को उनके आउटस्टैंडिंग एक्टिंग स्किल एंड यूनिक फैशन सेंस के लिए कौन नहीं जानता। यंग फैशनिस्टा ने भी नेशनल फिल्म अवार्ड एंड फिल्मफेयर जैसे कितने अवार्ड्स जीते हैं अपने सॉलिड परफॉर्मेंस के बल पर। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि सोनम एक स्मार्ट एक्ट्रेस होने के साथ ही एक स्मार्ट बिजनेस वुमन भी हैं। उन्होंने अपने सिस्टर रिया के साथ मिलकर एक हाई स्ट्रीट फैशन ब्रांड रीजन लॉन्च किया था इन 2017, जिसका प्राइम मोटो था टू प्रोवाइड एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड डिज़ाइन। अगर हम नेचुरली टैलेंटेड एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत का नाम सबसे पहले आता है। मिस रनौत अपने इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस के बल पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रही हैं। कंगना ने नेशनल फिल्म अवार्ड एंड फिल्म फेयर जैसे सेवरल अवार्ड्स जीते हैं बिकॉज ऑफ हर एक्सक्विजिट एक्टिंग स्किल। इनफैक्ट उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी ऑनर किया गया है इन 2020, जिसे इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। पर क्या आप ये जानते थे कि सक्सेसफुल एक्ट्रेस कंगना का एक सक्सेसफुल साइड बिजनेस भी है? जी हाँ, उन्होंने भी खुद की 2 क्लोथिंग लेबल्स मार्की एंड वेनिस क्रूज लॉन्च की थी इन 2015 एंड 16 इन पार्टनरशिप विद वेरो मोडा। आप जानते ही होंगे कि आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर का नाम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। पर क्या आप ये जानते थे कि मिस कपूर का नाम फोर्ब्स मैगजीन के 30 अंडर 30 लिस्ट में भी आ चुका है इन 2016 एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एशियंस अंडर द एज ऑफ 30? शायद नहीं। इनफैक्ट श्रद्धा की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उन्हें अब मोस्ट वांटेड सेलिब्रिटी इंडोर्सर कंसीडर किया जाता है फॉर सेवरल ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। ये तो रहा स्नेक पिक उनकी फिल्मी करियर का। अगर हम श्रद्धा के साइड बिजनेस की बात करें तो लाइक मेनी अदर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, श्रद्धा ने भी खुद की क्लोथिंग लाइन इमारा लॉन्च की थी इन 2016 इन एसोसिएशन विद ऑनलाइन पोर्टल amazon.in। ये हम सब मानते हैं कि तापसी पन्नू एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं जो हिंदी, तेलुगु एंड तमिल लैंग्वेजेस फिल्म्स करती हैं। उनके टॉप नॉच एक्टिंग स्किल ने उन्हें सेवरल बिग अवार्ड्स जिताए हैं, जिनमें से कुछ फिल्मफेयर स्क्रीन एंड सिने अवार्ड्स भी हैं। पर आप ये जानकर सरप्राइज्ड होंगे कि तापसी का हमेशा से एक ड्रीम रहा था कि वो खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करें, जिसे उन्होंने फुलफिल भी किया इन 2015। तापसी ने द वेडिंग फैक्ट्री नाम की कंपनी लॉन्च की अलॉन्ग विद हर सिस्टर शगुन एंड फ्रेंड फराह। उनकी ये कंपनी मैरिजेस एंड अदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं।